हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वसुबी ब्लॉग्स में। और आप सभी को प्यार भरा आफ्टरनून। 12 बज के समथिंग हो चुका है, दोपहर का टाइम है। 12 बज के नहीं बल्कि 1 बज चुके हैं और मेरा सारा काम अब जाके निपटा है। मौसम कोहरा कोहरा वाला है ना, तो कल तो कोहरा था सारा दिन, लेकिन आज क्या है, आज मस्त धूप खिली है। तो जिस दिन धूप खिलती है तो हम जो गृहस्थी वाली लेडीज़ होती हैं तो सब कुछ हमारा धूप में फैलाया जाता है। रजाई गद्दे कपड़े वगैरह धो धा के, किचन के बर्तन भी अभी धुले हैं मेरे, क्योंकि धूप में बाहर का काम पहले जल्दी निपटाना होता है, क्योंकि धूप का कुछ पता नहीं होता है। और मेरा टुन्नू पढ़ाई पे बैठा है मैंने आज। आज सुबह से बाहर नहीं गए हैं, मैंने इनको नहीं भेजा। पर अभी चलते हैं हम दुकान, तो लेके आते हैं दही और उसके बाद बनाते हैं कढ़ी। बहुत दिनों से कढ़ी नहीं खाई ना, तो कुकू करेगा काम और मैं और डुग्गू जाएंगे दुकान। फिलहाल मैं बना लेती हूँ अपने बाल, तो ले लिए हैं मैंने 2 कंगले। बाल बनाते हैं उसके बाद चलते हैं दुकान। सुबह से लाइट नहीं थी, मतलब सुबह 8-9 बजे तक थी आज, और लाइट की कटौती बहुत हो रही है। तो जब मेरा बर्तन धोने का टाइम आया तो उस टाइम तक लाइट चली गई थी। गीज़र में पानी बिल्कुल था ही नहीं गर्म, तो मैंने जलाया चूल्हा। चूल्हे में अभी पानी गर्म करा, उससे मैंने बर्तन धोए, क्योंकि टंकी के पानी से धोना तो बिल्कुल बस की बात नहीं है। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा पानी, लेकिन देहरादून और डोईवाला का मौसम इस प्रकार से है कुछ की, मतलब धूप खिली जाती है। देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा है आज। सरसों भी पीली हो चुकी है, अब इसकी कटाई चलेगी। फ्रेंड, जैसे कि गांव से आई हूँ मैं, तो गांव से आने के बाद थोड़ा बहुत होता है ना गांव का सामान, दालें और कुछ इस टाइप का। ये है मंडुए का आटा और ये है झुमरियाव। तो मुझे छछंडा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कल परसों से। तो कल मौसम ख़राब था तो बाहर जाने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन आज धूप के लिए तो मैं पकड़ती हूँ गाड़ी और लेके आती हूँ दही या फिर छाछ, जो भी मिलेगी। तो घर की छाछ में ज़्यादा स्वाद होता ही है। तो जब तक मैं आती हूँ दुकान से, तब तक मैं इसको रख देती हूँ थड़काने के लिए। तो पहले इसको पकाना पड़ेगा ना पानी में, उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम छाछ उसके। तो मैं इसको खाने वाली हूँ और बच्चों के लिए बनेगा कढ़ी भात। ये काफ़ी काला काला दिख रहा है ना, अभी धोऊंगी ना, बिल्कुल एकदम सफ़ेद हो जाएगा मोती जैसा। तो धोती हूँ मैं इसको और रखती हूँ इसको थड़काने के लिए लोहे की कढ़ाई में, जैसे कि घर में बनता है। मेरे लोहे की कढ़ाई फंस गई है। अरे यार, साफ हो गया, मेरा हाथ टटदार हो गया है, ठंडे पानी से धोया ना मैंने। इसको चढ़ा दिया मैंने गैस पे और ये देखो छत में मैंने फैला रखी है, घमसान मची हुई है। सारे चारों तरफ कपड़े कपड़े गद्दे रजाई गद्दे सब फैला रखे हैं, और मौसम बड़ा मस्त हो रखा है आज। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। देखो लोग सगोड़े गोड़ रहे हैं, आज घाम लगा हुआ है मस्त। तो दुकान जाने से पहले मैंने पलट लिए हैं कपड़े, और ये देखो हमने लगा लिया। एक चद्दर वाला दरवाज़ा था, एक ही लगा दिया है। अब तो बंदर के कारण लगाना पड़ा है, तो बंदर हमेशा ये खोल के रखती हूँ ना मैं धूप के कारण, लेकिन खुला रहता था तो बंदर आ जाता था अंदर, वही इकला बंदर। तो उसके कारण ये जाली का दरवाज़ा लगाना पड़ा, परसों लगाया था मैंने। और अब इस पर करना पड़ेगा मुझे पेंट, लेकिन ठीक है, तो खुला भी रहेगा, धूप भी आएगी, वेंटिलेशन भी होगा और बंदर भी नहीं आएगा। तो बंदर अब सोचेगा कि मैं कहाँ से जाऊँ। चलते हैं फिलहाल दुकान। मेरा झुंगरा ऐसा हो गया, मेरा झुंगरा बन के कितना सफ़ेद हो गया देखो। आहा, इसकी खीर भी ज़बरदस्त होती है। कुकू खा रहा है कटोरी चिप्स। और मैं नमक नहीं पीसना चाहती, क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा है, भूख लग गई है। मैं इसमें ऐसे ही डाल दूँगी नमक मिर्च मसाला, इसमें डाल दूँगी मैं नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और मिर्च। बाकी मसाले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, जो होती है ना इसमें कि मतलब आपको पता ही होगा, पहले के लोग 90, 100, 150, 200 साल जीते थे, तो यही सब खा के जीते थे। और आजकल ऑप्शन है, तो ऑप्शन में ज़्यादा पजल हो गया आदमी, और अपनी सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ करता है, तो हम लोग भी हैं। लेकिन बस मेरे घर का यही रूटीन है कि हम बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं,
बाहर का खाना भी और बाहर का जो चुटर पुटर होता है ना उसको भी हम बिल्कुल नहीं लाते हैं। समोसा, जलेबी, टिक्की, बन टिक्की, पिज्ज़ा वगैरह हमारे यहाँ सालों सालों तक नहीं आता है। एक देखो मेरा बांदर बांदर मेरा काजू बादाम खा जाएगा। बांदर गिरेगा तो वहाँ से नहीं गिरेगा, बंदर आएगा ना तेरा अभी सलवार पकड़ेगा, तेरा सलवार ले जाएगा तू नंगा पूँ। चड्डी तो नहीं पहनी तूने, झूठ मत बोल। चड्डी तो चड्डी नहीं पहनी तेरे में, तेरे पता चड्डी नहीं पहनी है, चड्डी नहीं पहनी है। तो मैं ले आई हूँ अपने खेत से मूली की कुछ पत्तियाँ, तो धनिया नहीं डालना मुझे, तो मूली की पत्तियों का स्वाद बड़ा ही अच्छा आता है इसमें, तो इसको बनाते हैं और भी हेल्दी और टेस्टी। तो काट लिए मैंने पत्ते, थड़क गया बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें मैंने इसी में डाल दिया नमक, मिर्च और हल्दी बस, और मूली के पत्ते। अब ये हो जाएगा ज़बरदस्त टेस्टी। चलो दौड़िए खाते हैं हम खाना। ये मेरा है छचिंडा, अब ये बन के इस प्रकार से हो गया कुछ, ठीक है ना, थोड़ा बकड़ा हो गया लेकिन इतना ही बनाऊँगी, ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊँगी। अरे मैं पूरा खाऊँगी ये मैं पूरा खाऊँगी। और हवा चल रही, देखो पर्दे कैसे हिल रहे हैं। कुकू आ जाए खाना खाने। अब मैं बैठी हूँ धूप में, मुझे लग गया ठंडा। इस कमरे में धूप आ रखी है, दादाजी का कमरा है, दादाजी का बेड है और मैं धूप में बैठी हूँ। और महाराज जी खोल रहे हैं टीवी, टीवी खुली हुई है, खोल ले खोल ले खोल ले। ये देखो धूप से क्या कल्लू बना हुआ, ओए कल्लू चलो खाते हैं खाना। इसको भी मैं इसमें नहीं डाला मैंने कुछ धनिया, और अपने उसमें डाला हुआ मैंने। और मैं थोड़ी सी कद्दू की सब्जी बची नाश्ते की, वो भी खाऊंगी चावल में, कद्दू की सब्जी और भात बहुत। बस बस बोल बस, चल बैठ खाना खोल। दोस्तों रात हो चुकी है और हमारा बन रहा है आलू मटर, और हम खाना खा के लुढ़क जाएंगे सो जाएंगे। तो सर्दियों की रात है तो छुट्टियाँ भी पड़ी है बच्चों की, तो आराम से खाना पीना और आराम से सोना हो रहा है, और देर से हो रहा है उठना। तो लगभग 7 बजे के करीब हम उठ रहे हैं और अब खुलने वाले हैं स्कूल, तो उसके बाद तो अपना वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो कुछ खास नहीं था, बस वही था कि आज मैंने झंगोरा पकाया तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा कि हम किस प्रकार से खाते हैं झंगोरे का, उसको बोलते हैं पल्यो। तो जो भी बनता है उसका, उसकी खीर भी बनती है दूध में डाल के, पहले समा के चावलों को मतलब कि झंगोरे को उबाल के उसके ऊपर बाद में दूध चीनी डाली जाती है, उसकी खीर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है समा का चावल। तो क्योंकि इसमें कैलोरी भी कम होती है, तो रेगुलर खाने से आपको फैट की भी दिक्कत नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, और इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और जिंक वगैरह होता है। तो मतलब बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए, सबके लिए ही ये काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है। और आपके अगर पाचन क्रिया सही नहीं है ना, तो आप नॉर्मली चावल खाना छोड़ के समा के चावल यानी कि झंगोरा इस्तेमाल कीजिए, 1-2 महीने तक आप रेगुलर इस्तेमाल कीजिए इसको। तो हम पुरानों का सबसे पौष्टिक आहार है झंगोरा, मंडवा है ना, तो मंडवे की रोटी तो मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन उसका भी मैं वही छाछ में डाल के बनाऊंगी घोल के, उसमें नमक मिर्च डाल के उसको भी खाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ अगले दिन शेयर करूंगी। तो आज था झंगोरा करता है झंगोरा, और इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है बजाय उन चावलों, जैसे नॉर्मली हम चावल खाते हैं ना, तो मतलब लगभग शुगर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम लोगों के लिए भी। तो सफ़ेद चावल जहाँ पे ठीक नहीं होता है, फैटी अलग होता है और शुगर की अलग, ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो झंगोरे में बिल्कुल नहीं होता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है और वेट लॉस में भी आपको ये मदद करता है। तो चावल खाने के शौकीन हैं और आपको वेट लॉस भी करना है, तो आप
जो समी के चावल है, जो भी होता है, झंगोरा कहूँगी मैं, झंगोरे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको चावल खाने का मन भी हो जाए, मतलब पूरा हो जाएगा, और फैट भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फैट ना के बराबर है, होता ही नहीं है। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, इसलिए आपको फैट नहीं बढ़ता है। तो आपको मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में हम बनाएंगे चूना, मतलब कि मंडुए का आटा, उसको चूना बोलते हैं ना, चूना पिसो, तो मंडुए का आटे का बनाएंगे हम पलियो, और वो दिखाऊंगी मैं आपको। और तब तक के लिए आप बनी रहिएगा मेरे साथ, यूँ ही इसी प्रकार से अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए जय देव, जय उत्तराखंड, बाय।